जांजगीर चांपा जिला के पुलिस ने आज सुने मकान में चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बमनिंडी पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में बमनिंडी पुलिस को मिली है सफलता। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए हुए सोने चांदी के जेवरात सहित 1,15,000 रुपए जब्त की गई है। धारा 457, 380, 34 भारतीय दंड विधान तहत कार्रवाई हुई है। आरोपी बिरजू सूर्यवंशी और मुकेश सूर्यवंशी दोनों निवासी हथनेवरा थाना चापा है। रातिया ने थाना बमनिंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 18 फरवरी को अपने भाई की शादी की तैयारी के लिए अपने मायके बाराद्वार गई थी। घर में उसके सास एवं ससुर थे। रात करीब 8 बजे घर से लगा दुकान बंद करके उसके सास ससुर सबरिया डेरा स्थित घर में सोने के लिए चले गए। सुबह करीब 6 बजे दोनों दुकान आकर के देखे तो घर के कमरे का दरवाजा एवं बाड़ी जाने वाला रास्ता खुला हुआ था। तब उसके ससुर द्वारा सूचना देने पर पार्थी वापस आई, देखी तो कमरे के दरवाजा का कुंडी टूटा हुआ था। अलमारी का दरवाजा खुला रहा, अलमारी के लाकर में रखा जेवरात का डिब्बा पेटी नहीं मिली। इसे उसके घर के बाद बरगद पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया गया। उसमें सोने एवं चांदी के कुछ जेवरात बिखरे पड़े थे। सोने का हार, सोने का कान का कटहल एवं सकरी, सोने की अंगूठी, अन्य सामान को चोर ले गए थे। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शिकायत के बाद में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेजा है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।